गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग मैं बता दूं तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए तो आज हम करने जा रहे हैं आपका टर्नेज टैक्सेशन का चैप्टर तो सबसे पहले तो टर्नेज टैक्सेशन अप्लाई किस पे करता है तो उस पर अप्लाई करता है वैसी कंपनी पर अप्लाई करता है जो पहले तो इंडियन कंपनी हो जिसका कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो एंड उसके पास एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग शिप तो हो ही एंड जो भी उसका बिजनेस है मतलब उसका बिजनेस होना चाहिए ऑपरेटिंग शिप्स शिप्स ऑपरेट करता हो वो कंपनी ये चार के चारों कंडीशन अगर सेटिसफाई अगर हो जाए तो उसको तो उस पर टेनिट टैक्सेशन स्कीम अप्लाई हो जाएगा लेकिन अप्लाई होने का मतलब ये नहीं कि उस पर मैंनेटरीली अप्लाई हो जाएगा ये ऑप्शनल है आप चाहो तो अप्लाई करो टेनिट टैक्सेशन स्कीम या फिर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाल लो ठीक है अगर आप टेनेट टैक्सेशन स्कीम अप्लाई करते हो तो आप सबसे पहले तो निकालोगे कैसे इनकम तो इनकम निकालोगे आप डेली टेनेट इनकम निकाल दो मल्टीप्लाइड बाय मतलब सबसे पहले आप डेली इनकम निकालो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज द शिप ज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो शिप्स कितने दिनों तक ऑपरेट किया शिप्स ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको मल्टीप्लाई कर दो डेली टर्न इनकम से तो आपका निकल जाएगा इनकम एज पर टर्नेज टैक्सेशन स्कीम ठीक है अब डेली टर्नज इनकम निकालेंगे कैसे तो बड़ा सिंपल है अपटू वन थाउजेंड टन अगर तो तो अप टू वन थाउजेंड है नेट टर्नेज तो नेट टर्नेजल तो यह समझ लो आप जो नेट टर्नेज निकालोगे उसको तो सबसे पहले आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड टन ठीक है आपने मल्टीप्लाई उससे राउंड ऑफ कर दिया अब आपका आ गया मान लो कि टनेज अब आपका आ गया नेट टनेज टनेजीड नेट टनेज है अप टू वन थाउजेंड टन अगर आपका नेट टनेज है तो सत्तर रुपए पर हंड्रेड टन ये आपका हो जाएगा डेली टनेज इनकम ठीक है हजार टन से हज़ार टन से दस हज़ार टन तक आपका इनकम हो जाएगा आपका इनकम हो जाएगा तिरपन रुपए पर सौ टन ठीक है दस हज़ार टन से दस हज़ार टन से पच्चीस हजार टन तक आपका इनकम हो जाएगा फोर्टी टू पर टन और पच्चीस हज़ार टन से ओवर एंड आपका इनकम हो जाएगा डेली टन इनकम उन्तीस रुपये पर टन तो आप कैसे निकालोगे देखो हजार टन को आपको मल्टीप्लाई करना है कितने सत्तर से तो सेवेंटी इंटू वन थाउजेंड डिवाइड बाई हंड्रेड तो आपका ये आ गया सात सौ रुपये अब ये जो सात सौ रुपये आ गया अब मान लो कि आपको इतने दस हजार टन यूज किया तो हजार आपको हजार और अब से लेकर दस हज़ार तक अब पे कितना लगेगा तिरपन रुपये पर सौ टन आपका इनकम हो जाएगा तो दस हजार माइनस हज़ार इज नौ हज़ार नौ हज़ार इंटू आपको करना होगा तिरपन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो ये आपका आ जाएगा फोर सेवन सेवन जीरो अब इसमें आप ऐड कर दोगे सेवन हंड्रेड तो आपका आ जाएगा फाइव फोर सेवन ज़ीरो और मान लो अगर आप दस हजार टन से पच्चीस हजार टन तक करते हो यूज़ मतलब आपका अगर नेट टनेनेज इतना है अगर है दस हजार टन से पच्चीस हजार तो जो पच्चीस हज़ार माइनस दस हज़ार है मतलब पंद्रह हज़ार टन को आप मल्टीप्लाई करोगे फोर्टी टू से और डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये आपका आ जाएगा देखो पंद्रह हज़ार मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये आपका आ जाएगा छः हज़ार तीन सौ आप इसमें ऐड करोगे पाँच हज़ार सात सौ सत्तर तो आपका आ जाएगा ग्यारह हज़ार सात सौ सत्तर तो आप मान लो पच्चीस हजार टन से ओवर एंड अबव अगर आप आपका है नेट टन तो तो ग्यारह सात सौ सत्तर तो लगेगा ही क्योंकि पच्चीस हजार टन पे ग्यारह हज़ार सात सौ सत्तर रुपये तो आपको आपका है ही नेट इनकम टम ग्यारह सात सौ सत्तर उसके ओवर एंड अब फिर आपको उन्तीस रुपए पर हंड्रेड टन आपको आपका नेट इनकम हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको क्या समझना है सबसे पहले तो जो आपका टेनेज है बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ हंड्रेड पहला, पहला सेकेंड कोई भी डिडक्शन या सेट ऑफ इस इनकम के अगेंस्ट आपको नहीं मिलेगा थर्ड ये इस पर मैट नहीं लगेगा इट शेल नॉट बी लाइबल टू मैट फोर्थ अब इनकम तो आपने निकाल लिया टैक्स कैसे निकालोगे टैक्स निकालोगे आप थर्टी परसेंट प्लस सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेजरेट फोर परसेंट अच्छा अब मैंने क्या बोला कि शिप तो होना ही चाहिए डेली टेनिस्ट आप अगर टेनिस टैक्स स्कीम को अप्लाई करते हो तो आपको आपके पास एक एटलीस्ट एक शिप तो होना ही चाहिए लेकिन शिप बोलते किससे तो शिप उसको बोलते हैं जो भी सी गोइंग शिप या वेसल हो जिसका कि जो नेट टर्नेज है वो फिफ्टीन और मोर हो मतलब पंद्रह टन कम से कम होना चाहिए फिफ पंद्रह या उससे ज्यादा का तो उसको क्वालिफाइंग शिप बोलेंगे बट इट शैल एक्सक्लूड अगर अगर को जो गुड्स एंड सर्विसेज है आप मान लो अपने शिप से जो आपका शिप है सीगोइंग शिप या वैसे उसको आप यूज़ करते हो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हो जो कि नॉर्मली लैंड पे प्रोवाइड किया जाता है तो वो इंक्लूड नहीं होगा तो उसे क्वालिफाइंग शिप नहीं बोलेंगे सेकंड शिप्स इज नॉट अ क्वालिफाइंग शिप थर्ड फिशिंग वेसल्स को हम क्वालिफाइंग शिप नहीं बोल सकते फोर्थ हार्बर एंड रिवर फेरीज को हम क्वालिफाइंग शिप्स नहीं बोल सकते फिफ्थ प्लेजर क्राफ्ट को हम क्वालिफाइंग शिप्स नहीं बोल सकते सिक्स ऑफ शोर इंस्टॉलेशन को हम क्वालिफाइंग शिप्स नहीं बोल सकते एंड सेवंथ वैसा क्वालिफाइंग शिप जो कि फिशिंग वेसल के लिए यूज होता है फॉर मोर देन थर्टी डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसको हम क्वालिफाइंग शिप्स नहीं बोल सकते ठीक है और आखिरी पॉइंट अगर जो आपका इंसिडेंटल एक्टिविटीज से जो आपका एग्रीगेट इनकम है फ्रॉम इंसीडेंटल एक्टिविटीज अगर एक्सीड करता है वन फोर्स परसेंट ऑफ द टर्न ओवर वन फोर्स परसेंट ऑफ द टर्न ओवर मतलब वन फोर्सेंट ऑफ द टर्न ओवर मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ द टर्न ओवर को अगर से अगर ज़्यादा मतलब जो आपका कोर एक्टिविटीज़ है उसका जो जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ऑफ द टर्न ओवर है उससे उसको अगर एक्सीड कर जाता है आपका इंसीडेंटल एक्टिविटीज से इनकम तो जो एक्सेस अमाउंट है ना उस पर आप उस पर आप टर्निस्ट टैक्स स्कीम नहीं लगा सकते हो उस पर आप नॉर्मल प्रोविजन लगाओगे तो इसी के साथ हमारा टेनिस टैक्सेशन ख़त्म होता है अब थैंक यू